भट्ट के साथ लड़ाई होने वाली है धमासान फुकरा इंसान की, ये बात मनीषा को बताते हुए नजर आई। मनीषा भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए नजर आई है सामने, जहां पर फुकरा इंसान का कहना ये है कि भाई मनीषा मुझे लगता है कि जैसे शो स्टार्ट हुआ था इनके साथ लड़ाई से, वैसे शो खत्म भी इनके साथ लड़ाई से ही होने वाला है। वहां पर स्टार्टिंग में लड़ाई हुई थी, जो कि फुकरा इंसान ने पूजा भट्ट को ये बात बोली थी कि आवाज ऊंची करने से सब चीजें सही नहीं हो जाती है, ये चीज जो है उन्होंने बोली थी। और उसके बाद जो है काफी सारी लड़ाइयां, काफी ज्यादा एक्चुअली में उस वक्त भी ग्रजेस जो है रखे थे पूजा भट्ट ने। अब जो है पूजा भट्ट सबके सामने काफी सारी, अविनाश अपनी बातें सुना रहा है तो पूजा भट्ट बीच में बोलने लग जाती है, हाँ वो बात छोड़ो, ये बात यहाँ पर खाना जो है कोई अच्छा नहीं बनाता, बेबी का राइस बहुत अच्छे बनाती है। तो मैंने बोला कि मैम बेबी का से बनवा लेते आप राइस, तो वो बोले कि राइस वो क्यों बनाए, उसकी थोड़ी ना ड्यूटी है, तो वो भी बनाए भी नहीं बेबी का अच्छी बनाती, तो आखिरकार मैं क्या करूं। बहुत रूड रूड मेरे साथ हो रही है, बहुत मतलब लड़ाई का बहाना जो है ढूंढ रही है, मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई होने वाली है उनके साथ, बहुत ज्यादा मुझसे रूड हो रही है। और ये चीज मनीषा को बताई तो मनीषा बोलती हाँ अगर ऐसा अच्छा लगता दूसरा बना सकता तो फिर वो बना दे, और क्या कर सकते हैं। अब जिस तरीके से लड़ाई शुरू हुई थी, शो शुरू हुआ था, वैसे ही अंत होगा, पता नहीं ऐसे होगा या नहीं, पर पूजा भट्ट ऐसी चीजें कर रही है क्योंकि परसों का कल का सबका गुस्सा जो है फुकरा इंसान के ऊपर है। फुकरा इंसान की ऐसी बात से कि आप बीच में मत आइए, इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा हर्ट हुई थी पूजा भट्ट, और आंसू भी निकले थे पूजा भट्ट के, तो वो अभी भी अंदर जो है नासूर बन के है, वो अभी फूटना बाकी है। क्या मालूम आज दोपहर तक या शाम तक वो गुस्सा जरूर फूटे और कुछ ऐसा एंगल आए घर में जहां पर फुकरा इंसान और पूजा भट्ट की धमासान लड़ाई हमें देखने के लिए मिले। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।